Hello everyone, welcome to the Computer Organization class. I am Shashikant Sharma, Assistant Professor, IT Department from Pudar International College, Jaipur. Today we are going to discuss about Digital Arithmetic Circuit. Most of jitne bhi humare computer mein arithmetic circuits bante hain, wo 2 bit ke addition se bante hain. Ye arithmetic circuit एक कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, तो जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम हाफ एडर कहते हैं. हाफ एडर बेसिकली दो इंडिविजुअल बिट्स को एज ए इनपुट लेता है और दो आउटपुट सम और कैरी जनरेट करता है. फर्स्ट इनपुट ऑगिंट कहलाती है और सेकेंड इनपुट एडिंट कहलाती है. अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो दो इनपुट होंगे ए और बी और दो आउटपुट सम और कैरी. हाफ एडर को समझने के लिए इसकी ट्रुथ टेबल हमें समझनी होगी. तो इसकी कुछ ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनती है, जहां दो इनपुट ए और बी होंगे और सम और कैरी यहां पे होगी. इनपुट ए और इनपुट बी की वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो इससे हमें सम और कैरी की वैल्यू मिलती है. तो फर्स्ट सिनेरियो में जब ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो सम की वैल्यू 0 और कैरी भी 0 होगी. जब ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है तो सम की वैल्यू 1 होगी और कैरी 0. जब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 है तब सम की वैल्यू 1 और कैरी की वैल्यू 0. जब ए और बी दोनों इनपुट की वैल्यू 1 1 होगी तब सम की वैल्यू 0 और कैरी की वैल्यू 1 होती है. इस ट्रुथ टेबल से हम यहाँ पर सम और कैरी दोनों के एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर सकते हैं. तो सम के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा ए बार बी. यहाँ से हम पहला एक्सप्रेशन, जहाँ हमने 0 वाली को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि इसको लेने का कोई हमारा सेंस नहीं है, हम पहले जहाँ 1 सम की वैल्यू 1 आ रही है उसको हम पिक करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ए बार बी सेकंड आ रहा है, ए बी बार. तो सम का एक्सप्रेशन बना ए बार बी प्लस ए बी बार और कैरी का एक्सप्रेशन होगा सी इक्वल्स टू ए बी. इस एक्सप्रेशन से अब इस एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन हमारा डिराइव हुआ है ट्रुथ टेबल से इस है हम इसका लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हैं. तो इसका जो लॉजिक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा. जो ये लॉजिक डायग्राम दिखाया है ये है यूजिंग बेसिक गेट्स. बेसिक गेट्स कौन सकते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट. अगर इनसे हम बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें दो नॉट गेट, तीन एंड गेट और एक और गेट यूज होता है. दो इनपुट हैं तो फर्स्ट जब इनपुट ए की वैल्यू 1, सपोज यहाँ से 1 हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट की वैल्यू क्या हुई, 0. तो यहाँ पे क्या आया, ए बार. अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1. तो ए बार बी और ए बी बार आउटपुट आएंगे और इस सम को हम, इस एक्सप्रेशन को हम ए एक्सक्लूसिव और बी भी लिख सकते हैं. और इस सेम लॉजिक डायग्राम को यूजिंग एंड और एक्स और गेट इस तरह से डिराइव करते हैं. यहाँ हाफ एडर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि ये जो हाफ एडर था ये सिर्फ 1 bit एडिशन के लिए ही बना था. प्रॉब्लम वहाँ आती है जब 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स का एडिशन होगा तो उसमें हमें हम फुल एडर यूज़ करते हैं. फुल एडर बेसिकली अगर हम अब हम फुल एडर को समझें तो फुल एडर भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो 3 इनपुट बिट्स का अर्थमेटिक सम करता है. इसके 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं. इसमें 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं. अकॉर्डिंग टू ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर इनपुट्स आर ए बी और सी. यहाँ सी इन वो कैरी है जो प्रीवियस जो अर्थमेटिक सम हुआ था उसमें जो कैरी जनरेट हुई थी, इसे हम प्रीवियस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं. और 2 आउटपुट होंगे सम और कैरी. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास
इनपुट हो गए, तो तीन इनपुट हो गए तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जब इसके इंटर टेबल बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर n, यहाँ n कितना, n इनपुट है तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो इसकी इंटर टेबल कुछ इस तरह से होगी जहाँ पे तीन इनपुट हैं ए बी और सी इन, और आउटपुट हो गए एस और सी आउट। तो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक्सप्रेशन जनरेट करें तो इसका एक्सप्रेशन जनरेट होगा यहाँ से पहला, या तो एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ से भी डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, और वैसे हम इसका के मैप के थ्रू भी बना सकते हैं। तो के मैप के थ्रू अगर बनाएं हम तो यहाँ पे बनेगा, सबसे पहला हम पहले सम कहाँ पे, वन की वैल्यू, सम की वैल्यू वन कहाँ पे है वहाँ देखते हैं, ए बार बी बार सी, तो यहाँ पे देखेंगे हम ए बार बी बार सी। सेकंड आएगा ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार यहाँ पर। थर्ड वन की वैल्यू आएगी ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, और लास्ट ए बी और सी, तीनों की वैल्यू वन होगी। ये तो सम का एक्सप्रेशन होगा, तो सम का एक्सप्रेशन कुछ बनेगा ऐसे, और डायरेक्टली इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्सऑर लगा देंगे यहाँ पे, और कैरी का जो हमारा के मैप के थ्रू बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा, शॉर्ट एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनेगा कैरी का ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन या सी इन ए। तो इन अगर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम इसका लॉजिकल सर्किट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इन एक्सप्रेशन के थ्रू एक जो पहला सिंपल डायग्राम बनाएं हम अगर लॉजिक डायग्राम इसका, तो वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें तीन बिट जो इनपुट आ रही हैं, तो इसमें क्या है, तीन तो हमने लिए एंड गेट, दो और गेट और दो एक्स और गेट। फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट होगा ए बी, सेकेंड का ए सी और थर्ड का बी सी, और पहले और गेट का आउटपुट होगा ए प्लस बी, ए बी प्लस ए सी, इसका आउटपुट आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और यहाँ पर जो कैरी का सॉरी सम का जो एक्सप्रेशन जो जनरेट होगा वो है हमारे पास ए एक्स और बी एक्स और सी। सेम यही डायग्राम विद यूजिंग हाफ एडर भी हम बना सकते हैं, जिसमें दो हाफ एडर इंडिविजुअल, दो अलग अलग हाफ एडर यूज होंगे। यहाँ देखिए जैसा कि हमने पिछले में देखा था, एक हाफ एडर में एक एक्सॉर और एक एंड गेट होता है, सेम इसमें भी दो हाफ एडर यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। तो आई होप आपको हाफ एडर और फुल एडर समझ में आया होगा। थैंक यू।